दोस्तों यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देखो, 35,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है 120 दिन के लिए। इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ये जो भी लोन है ये मेरे सब्सक्राइबर दोस्त सुमन भाई का यहाँ पर लोन अप्रूवल किया है और उनका सिविल कितना पता है 591। लाइव मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अंदर, आप लोगों को 591 सिविल पर देखने को मिला, 35,000 का लोन अप्रूवल हुआ है। और कितना मिला है उनको, 30,000 रुपये उनको मिला है। नॉर्मल सी बात है कि भाई इतना कम सिविल में अगर आपको लोन मिल रहा है, पर्सनल लोन वैसे ही जो है थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके का जो है पेज देखने को मिल रहा है आप लोगों को, जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये फर्स्ट ईएमआई जो है 15 अक्टूबर 2024 का आया है। तो बाकी का डिटेल्स आप लोगों को वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आप पूरा देखोगे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा डिटेल वाइज, जैसे कि आप लोग देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, चार्जेस, बैंक कितने में इतना पैसा आया, ईएमआई कितना बन रहा है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को अगर मानो आपका सिविल अच्छा है तो आप लोग इससे ज़्यादा भी अमाउंट मिल सकते, चाहे 50, 60, 70 भी मिल सकते इससे, ठीक है। तो आप लोग अगर ट्राई करोगे तो आप लोगों को लोन मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लाइव में दिखाने वाला हूँ कि पैसा जो है उनके अकाउंट पर आ चुका है। तो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, एप्लीकेशन का नाम भी अंदर बताया है, तो आप लोग उसको इंस्टॉल करके आप अप्लाई करना, डेफिनेटली आप लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त सुमन भाई को यहाँ पर 591 सिविल पर 35,000 का लोन अप्रूवल हुआ है और उनके पास पैसा ऑलरेडी आ चुका है। लाइव स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 35,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है, वो 120 दिन के लिए, ठीक है। डिटेल्स आप लोगों को नीचे देखने को मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट चार्जेस हुआ है, कितना चार्जेस है प्रोसेसिंग फीस, कितना पैसा उनको मिला है। 35,000 का लोन अप्रूवल हुआ था, 30,090 रुपये उनको मिला है। यहाँ पर ईएमआई कितना बन रहा है, 7,000 करके, यहाँ पर 7,100 रुपये करके ईएमआई बन रहा है पर मंथ के हिसाब से। फर्स्ट ईएमआई 15 अक्टूबर 2024 को ये रेडी होकर आया है, ठीक है। आप लोगों को जो है अलग अलग दिख सकता है जब आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से। अब ये जो भी लोन एप्लीकेशन है अभी के टाइम में बड़ा लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है। लोन एप्लीकेशन का नाम, प्रोसेस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। एक भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो उसके बाद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अप्लाई करने जाओगे तब आप क्या करोगे, उल्टा फुल्टा आप लोग करके बैठे रहोगे और बाद में लोन रिजेक्शन हो जाएगा। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ किसके बाद क्या स्टेप्स आने वाला है, क्या होने वाला है, वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना नहीं है, सब कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग लाइव स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो 35,000 का लोन अप्रूवल हुआ है 591 सिविल पे, ठीक है। सुमन भाई का जो है यहाँ पर लोन अप्रूवल किया था, उनका जो है बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड था, बहुत दिनों से जो है कमेंट कर रहा था, एसएमएस कर रहा था और साथ ही साथ मेल भी किया था। तो मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजा था, उसी के थ्रू मैंने यहाँ पर अप्रूवल करवाए हैं और उनको मिला भी हो। यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हो 35,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हो गया है। अब ये लोन एप्लीकेशन किस तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पर ये लोन एप्लीकेशन मिलने वाला है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी है, क्योंकि एनबीएफसी ही इतना बड़ा अमाउंट दे सकता है, कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा, वो 5,000-10,000 तक ही सीमित है। यहाँ पर ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा 100%, आपका सिविल अगर लो भी होगा तो आप लोगों को लोन देगा। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और कोई तीसरा डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल वाइज समझा देते हैं कि आखिर ये लोन एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप लोगों को लोन देगा, इसका डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में अगर आप देखोगे तो इसका रेटिंग्स देखो, 4.3 का रेटिंग्स है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो भी है और कुछ डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर आप लोग प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करते हो, अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करते हो, सबसे पहला इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि लॉगिन करने के लिए बोला जाता है हर एक एप्लीकेशन पर। तो ये मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, जो आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लिंक है, ठीक है। आधार और पैन से लिंक जो भी नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा, उसमें एक ओटीपी आएगा। जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये सब जो चेकबॉक्स उसको चेक करके आप लोग यहाँ पर गेट ओटीपी करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है। अब ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करते आप लोगों से यहाँ पर परमिशन मांग रहे, जो कि मैंडेटरी है, एसएमएस वाला परमिशन। एसएमएस पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो वाला एसएमएस वो लोग चेक करते हैं। ऑटो फेच परमिशन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अलाउ एक्सेस जैसे करोगे नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का, जो है आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा जहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ करते जाना होगा। जितना भी परमिशन आपको देखने को मिल रहा है अलाउ सब कुछ करना होगा। आप लोग अगर एक भी डिनाई कर देते हो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर लोन लेना है तो अलाउ करना पड़ेगा, इनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपके हिसाब से यहाँ पर चलेगा नहीं। जैसे नेक्स्ट करोगे तो ओटीपी जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ओटीपी आया है यहाँ पर, ठीक है। ओटीपी पहले नहीं आ रहा था, यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले आप लोगों का परमिशन वगैरह देगा, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा।
अब यहाँ पर ओटीपी आने के बाद जैसे नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से डिटेल्स पूछा जाएगा, आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। तो पैन कार्ड में जो आपका नाम है उसके हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिएगा, कोई मिडिल नेम है तो उसको यूज़ मत करना। उसके बाद आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करोगे, नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों का सिबिल स्कोर चेक कर रहा है। तो सिबिल स्कोर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लाइव प्रूफ 591 सिबिल आया है, 900 पे पुअर भी लिखा हुआ है। तो 591 पे यहाँ पर अगर पुअर सिबिल में अगर मिल सकता है इतना लोन मैंने आप लोगों को दिखाया, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर नाम भी चेक कर सकते हो, सुमन नाम है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर अनलॉक द रिवर्ड्स अगर करोगे तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गेट कैश इन मिनट्स 5 लाख विड्रॉ नाउ। तो आपको सिंपल सा जो है विड्रॉ नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ ऑप्शंस। यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट डिसबर्समेंट टू योर अकाउंट, 0 फोरक्लोज चार्जेस, पे इंटरेस्ट व्हेन यू यूज, नो पेपर वर्क। यहाँ पर आप लोगों को जो भी अमाउंट मिलेगा अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो, पहले ये एप्लीकेशन पर आएगा, उसको आप मैनुअली विड्रॉ करना। मानो कि आपको मिला 50,000, ठीक है, 50,000 में आप 10,000 विड्रॉ किए तो वही 10,000 पे आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा, 50,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप ये नहीं यूज़ करते हो तो वहाँ पर जो है वो सेफली वहाँ पर रहेगा। तो यही है यहाँ पर इसका फंडा। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे जो है कंटिन्यू करना होगा। जैसे कंटिन्यू करोगे आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड कमिंग सून लिखा हुआ है, अभी सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं दे रहा है, तो सैलरीड पे आपको क्लिक करना होगा। मंथली सैलरी आपका कितना है आपको यहाँ पर 20,000 मिनिमम लिखना ही पड़ेगा, 20,000 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू जैसे करोगे नेक्स्ट पेज में आप लोगों का डिटेल्स पूछा जाएगा, मतलब एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सबसे पहले पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर डाला जा रहा है, आपको ऑफिस का एड्रेस डाल, मतलब जो भी है एड्रेस डाल दीजिएगा, मतलब सिटी वाला, और स्टेट डाल दीजिएगा। उसके बाद करंट पिन कोड आप जहाँ पर है उसका पिन कोड वगैरह डाल के सिटी और स्टेट डाल दीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू सेव में करते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है आपका जेंडर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका मेल, फीमेल, अदर्स जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को नाम वगैरह सब कुछ शो कर रहा है, ईमेल आईडी शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, पैन कार्ड नंबर शो कर रहा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी गलत है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। तो सब कुछ सही है तो कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करते हैं आप लोग नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जो कि चेकबॉक्स, उसको आपको चेक करना होगा। ठीक है, चेक करते हैं आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है अब जो है पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर लेगा, तो यहाँ पर एग्री करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे ही आप इसको एलो करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों से आपका लोकेशन और कैमरा परमिशन लेगा, जो कि आपको देना होगा। नेक्स्ट करने पर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में दे है गेटिंग योर, थोड़ा सा जो है टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यू आर एलिजिबल अप टू 35,000, 591 सिबिल पर 35,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल होकर आया है, आप लोगों को लाइव देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू जैसे करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हे सुमन कंटिन्यू और प्रोवाइड योर बैंक स्टेटमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल सा जो है नेक्स्ट पेज में देखना है अब आप लोगों का सैलरी किस बैंक पे आता है वो आप लोगों को यहाँ पर जानने के लिए बोला जा रहा है। तो बैंक का जो है डिटेल्स आप डालिएगा, उसी बैंक में आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को कंटिन्यू करना होगा बैंक सेलेक्ट करने के बाद। कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है आप लोगों से आपका बैंकिंग जो है आपका डेबिट कार्ड या फिर जो भी ओटीपी या फिर जो भी है नेट बैंकिंग के थ्रू कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो नॉर्मल सा जो ये रिकमेंडेड कर रहा है, आपके बैंक में जो नंबर दिया गया है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना पड़ेगा। सिंपल सा डालते ही आप लोगों को जो है नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है आप लोगों के पास प्लान्स आ गया है कि आपको 35,000 कितने समय के लिए चाहिए। ऑप्शन मिल रहा है 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, आप लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, जैसा मिलेगा वैसा आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी है 12 महीने के लिए ले सकते हो, 24 महीने के लिए ले सकते हो। अगर 24 महीने के लिए लोगे तो ये मंथली ईएमआई जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो है यहाँ पर आप लोग आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करोगे कंटिन्यू, विद इन 30 मिनट्स आप लोगों के बैंक अकाउंट पर वही पैसा आप लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि पैसा जो है ट्रांसफर हो गया था, कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज। तो ये जो भी अमाउंट आप लोगों को मिलने वाला है ये एक एनबीएफसी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, ये एनबीएफसी जो है ये बड़ा एनबीएफसी है, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों को ठग लेगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा और लोन भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अप्लाई करके दिया है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिला है, किसी को 20,000 मिला है, किसी को 30,000 मिला है। स्लो सिबिल होगा तो भी आप लोगों को इससे लोन मिल जाएगा। जैसे कि लाइव मैंने दिखाया 591 सिबिल पर सुमन जी को मिला है 35,000 का लोन। तो डायरेक्टली आप लोग इसमें अप्लाई करना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उस एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर पर अगर आप जाओगे, इस नाम से अगर सर्च करोगे, जिस नाम से आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है CHEQ, तो ये एप्लीकेशन जो है अभी के टाइम में लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको लोन की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नीड है, तो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ये लोन एप्लीकेशन परफेक्ट है आप लोगों के लिए। अगर आपका सिबिल कम है, डिफॉल्टर भी हो, तो भी आप लोगों को इससे लोन मिल जाएगा आराम से। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।